हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर की आपकी क्लास है। एबीएसटी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं हम। पेपर का नाम है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख देता हूं। एक क्वेश्चन है बढ़िया बहुत। परचेजेस आपको गिवन है 1 जून को और 30 जून को। लीटर पेट्रोल है और 10,000 लीटर है पेट्रोल। रेट है 2.60 और 0.25। ये आपके फ्रेट हो जाता है और रेट रेट पर लीटर और ये फ्रेट है पर लीटर। और यहाँ पे ये आ जाती है अपने पास 0.28। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 10,000 लीटर एट रुपीज 3 पर लीटर इंक्लूडिंग फ्रेट। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 13,000 लीटर ऑन 30 जून सेल्स आपको गिवन है 94,500 रुपीज और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है 2,500। यू आर टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय लीफो मेथड, फीफो मेथड वेटेड एवरेज मेथड एज्यूम एज्यूमिंग दैट नो इश्यू वॉज ऑन 30 जून
नो इश्यू, कैन बी मेड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो यू आर टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय लीफो मेथड, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, एज्यूमिंग दैट नो इश्यू कैन बी मेड ऑन लास्ट जून, लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है और हमें यह मानना है कि हमने लास्ट डे पे कोई भी इश्यू नहीं किया है. तो लास्ट डे पे इशू नहीं किया, इसका मतलब 30 जून को इशू नहीं किया है. आपके पास टोटल स्टॉक कितना है पहले ये देख लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 10 है और 20 है. 30 जून को हमने इशू किया नहीं है, तो इसका मतलब इशू कब किया है उससे एक दिन पहले ले लेते हैं. तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो इशू किया होगा वो 29 जून को किया होगा. लास्ट डे को इशू नहीं करते हैं, इसलिए हमने क्या माना है कि यहाँ पे जो इशू किया जाएगा वो कब किया जाएगा, 29 जून को हमने इशू किया होगा, ऐसा मान के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है लीफो मेथड, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से करना है. ये जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बुक में चैप्टर नंबर 4 है, इशू ऑफ मटेरियल, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये. अगर आप अपनी बुक में देखना चाहें तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में बीकॉम सेकंड ईयर की क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में चैप्टर नंबर 4 है इशू ऑफ मटेरियल, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है. तो फिलहाल हम स्टोर लेजर अकाउंट बना लेते हैं. बाय फीफो मेथड, तो फीफो मेथड से हम बना रहे हैं. यहां पे हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं फीफो मेथड, इसको कर देते हैं लीफो मेथड. तो फीफो मेथड से हम बना रहे हैं लेजर अकाउंट. 3 कॉलम बनाने हैं. तो जो मेरे पास ब्लैंक स्पेस था उस पर मैंने पहले 3 कॉलम बना लिए. फर्स्ट कॉलम को नाम दिया रिसीव्ड, सेकंड कॉलम हो जाता है आपका इशू, थर्ड कॉलम हो जाता है बैलेंस. हर एक कॉलम के फिर से आप 3 कॉलम बना लीजिए. तो हर एक कॉलम के हमने फिर से 3 कॉलम बना लिए, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. कॉलम को नाम दे दिया है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है, बोर्ड आपको पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस बात को हम चेक कर लेते हैं एक बार. एक कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा डेट का, जिसमें आप डेट मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा डेट का. अब एक बार चेक कर लें कि बोर्ड आपको पूरा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा. जी बिल्कुल, आपको पूरा बोर्ड नज़र आ रहा है और ये अच्छी बात है. हाँ, तो देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हम मेंशन करते हैं क्लोजिंग बैलेंस में. तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा है, बैलेंस वाले कॉलम में हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 यूनिट लीटर पेट्रोल है और रेट है 3 रुपीज़. तो 10,000 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, रेट मेंशन करेंगे 3 रुपीज़, और टोटल आपके पास हो जाता है 30,000 का पेट्रोल. तो क्वांटिटी में आपने 10,000 लिखा है, क्वांटिटी आपने लिखी है 10,000, रेट आपके 3 रुपीज़ पर लीटर है, टोटल आपके पास पेट्रोल हो जाता है 30,000 का. ये है 1 जून 2015, ईयर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ईयर है 2015. तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 1 जून 2015 को.
1 जून 2015 को आपने परचेज भी किया है, तो परचेज किया है तो हम फिर से लिख देते हैं 1 जून 2015, और इस दिन आपने परचेज किया था कितना, 20,000 लीटर पेट्रोल परचेज किया है, तो 20,000 लीटर पेट्रोल है आपके पास 2.85 की रेट से। तो देखिए यहाँ पे 2.60 और 25 दोनों को ऐड करके आप रेट लिख दीजिएगा 2.85, तो यहाँ पे आपका पेट्रोल हो जाता है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.85, 57,000 का पेट्रोल आपने परचेज किया है। अब बैलेंस में आप 10,000 पहले वाला शो करेंगे 3 रुपीज़ की रेट से, और 20,000 पेट्रोल जो आपने परचेज किया है उसकी रेट हो जाती है 2.85, इस तरीके से आप शो करेंगे, और टोटल पेट्रोल की कॉस्ट हो जाती है 87,000। अब आ जाता है 30th जून, तो 30th जून से पहले मैंने आपको बताया जो भी इशू किया है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है नो इशू कैन बी मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट डे पे इशू होता नहीं है, तो इशू कब हुआ है, 29 को, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो इशू हुआ है वो 29 जून को हुआ है, तो यहाँ पे हम इशू करेंगे। कितना मटेरियल इशू हुआ है पहले ये देख लेते हैं, तो देखिए आपके पास 20, 10 और 10 टोटल क्वांटिटी आपके पास हो जाती है 40,000 लीटर पेट्रोल। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 13,000, क्योंकि ये तो 30 जून को है, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 13,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी थी वो थी 40,000, उसमें से जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास, ये टोटल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इशू आपने कितनी कर दी, 27,000 लीटर पेट्रोल हमने इशू कर दिया है, ये इशूड आ गया, तो ये मटेरियल आपने इशू किया है। अब इशू कर दिया तो आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो ये 27,000 आप फीफो मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने कौन सा इशू किया होगा, 10,000 लीटर पेट्रोल हमने सबसे पहले इशू किया होगा, रेट होगी 3 रुपीज़, बाकी का 17,000 यहाँ पे आपने देख लिया कि टोटल इशूड कितना किया है, 27,000। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, 20,000 आपके पास ये 1 जून को जो आपने परचेज किया वो था, और 10,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, टोटल स्टॉक हो गया ये 30,000, और 30th जून को आपने फिर परचेज कर लिया 10,000, तो टोटल स्टॉक हो जाता है हमारे पास 40,000, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक 30th जून को कितना बचा हुआ है, 13, तो इसका मतलब हमने कितना इशू कर दिया, 27,000 लीटर पेट्रोल हमने इशू कर दिया। अब इसकी रेट क्या लगनी चाहिए, तो फीफो मेथड से जब हम इशू करते हैं तो सबसे पहले जो गुड्स आया था वो सबसे पहले जाएगा, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था 3 रुपीज़ की रेट से, पहले इसको हम इशू करेंगे, फिर बाकी का जो 17,000 है वो हमने किस में से लिया होगा, 2 रुपीज़ 85 पैसे में से, तो इस तरीके से हम देखेंगे हमने गुड्स कितना इशू कर दिया, तो 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2.85 प्लस 30,000, या आपने 78,450 का गुड्स इशू कर दिया, इतना गुड्स आप इशू कर चुके हैं, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, तो देखिए ये 10,000 3 रुपीज़ वाली की रेट है जो इसकी, वो गुड्स इशू कर चुके हैं आप, 20 में से आपने 17 इशू कर दिया, तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो है आपके पास 3,000, और रेट है उसकी 2.85, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2.85 ये रेट आपके पास बची हुई है 8,550 की। फिर आपने लास्ट डे को 30th जून 2015 को, क्योंकि ये सब गुड्स आपने कब इशू किया, 29th जून को इशू किया है, अब 30th जून 2015 को क्लोजिंग बैलेंस आपके पास, फिर आपने गुड्स परचेज कर लिया 10,000, तो आप मेंशन कर दीजिए 10,000 हमने फिर परचेज किया है, और रेट है इसकी 3.03। 3.03 कैसे आई है, तो देखिए 2.75 प्लस 28, तो ये टोटल आपकी कॉस्ट हो जाती है 3.03, यानी कि आपने 30,300 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया है, और कब परचेज किया है, 30th जून 2015 को आपने परचेज किया है, तो हमारे पास इशू हमने इस दिन कुछ नहीं किया, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3,000 पहले वाला था गुड्स 2.85 की रेट से, और अभी फिर परचेज कर लिया 10,000 लीटर पेट्रोल, इसकी रेट है 3.03, टोटल गुड्स हो जाती है मिला के 30,300 प्लस 8,550, ये 38,000
38,850 ये गुड्स की कॉस्ट हो जाती है किस मेथड से, ये हो जाती है लीफो मेथड, फीफो मेथड से। यहाँ पे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है फीफो मेथड से, ये आपकी कॉस्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है 38,850 और मेथड है फीफो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि जो माल बेच दिया उसकी कॉस्ट क्या है, तो ये अपन ने इशू कर दिया मतलब हमने सेल कर दिया है, तो ये सेल किया है और इसकी कॉस्ट क्या आई है 78,450। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप शो कर दीजिए 78,450, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाती है। किस मेथड से हो जाती है? फीफो मेथड से। तो ये हमने मेंशन कर दिया है क्योंकि अभी यहाँ से इस डिटेल को हम यहाँ से हटा देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं लीफो मेथड से। तो देखिए लीफो मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए, तो यहाँ से हम क्वेश्चन यहाँ तक सेम रहेगा आपके पास, तो एक चेंजेज आएगा यहाँ पे, तो देखिए बाय लीफो मेथड। तो यहाँ पे क्वेश्चन की हेडिंग हमने सबसे पहले चेंज कर दी और ये हमने कॉलम रिन्यू कर दिए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हम एंट्री सेम इसी तरीके से करेंगे। अब हम लीफो मेथड पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो गुड्स आपने लास्ट में परचेज किया है वो आप सबसे पहले सेल करेंगे। लास्ट में हमने क्या परचेज किया है, तो आप देखिए 20,000 लीटर पेट्रोल जो है वो हमने लास्ट में परचेज किया है, तो सबसे पहले हम इशू करेंगे इसको। तो 29th जून को देखिए केस वही है, 27,000 आपने इशू किया होगा। अब 27,000 आपने इशू किया है तो सबसे पहले हम 20,000 लीटर पेट्रोल इशू कर देंगे और उसके बाद हम 7,000 पेट्रोल इशू करेंगे। 20,000 की जो रेट होगी वो होगी 2.85 और बाकी की रेट होगी 3.00। तो देखिए यहाँ पे आपको लीफो मेथड में आपको फिर से बता दूँ एक बार कि लीफो मेथड जनरली उस केस में लगता है जो चीज़ें बहुत भारी होती है, जनरली उनको आसानी से नहीं उठाया जा सकता और लंबे समय तक वो चीज़ें चलती हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होती, लंबे समय तक वो चलती हैं, उन चीज़ों के लिए हम लीफो मेथड को काम में लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले गेहूं की बोरी हुई, क्योंकि गेहूं जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लंबे समय तक चल जाते हैं। इसके अलावा जो घी के पीपे हुए, तेल के पीपे हुए, इन चीज़ों के लिए हम जनरली किसको काम में लेते हैं, लीफो मेथड को काम में लेते हैं, क्योंकि बोरियाँ ये जो गेहूँ के बोरे होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, तेल के पीपे होते हैं जिसमें तेल भरा हुआ होता है तो ये बहुत भारी होते हैं, घी के पीपे होते हैं ये भारी होते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो जब इनको रखा जाता है तो जो पहले माल आया वो हम पहले रख चुके होते हैं, उसके बाद जो गुड्स और आया उसको हम उसके ऊपर जमा देते हैं, फिर उसके बाद आया गुड्स उसको और आगे रख देते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति एक पीपा पेट्रोल, एक पीपा घी परचेज करना चाहता है तो हम उसको पहले वाला गुड्स नहीं दे सकते क्योंकि वो दब चुका है, और अगर उसको निकलवाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, या और इसके अलावा लेबर चार्जेज जो पे करना पड़ेगा वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए हम इसको कौन सा मेथड काम में लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए हमने यहाँ पे 20,000 लीटर पेट्रोल जो बाद में आया था 2.85 की रेट से सबसे पहले ये इशू किया है, उसके बाद में हमने जो गुड्स लिया है 7,000 वो हमने लिया है 10,000 में से, तो 7,000 लीटर पेट्रोल हमने यहाँ पे दिया इसको 3 रुपीज़ की रेट से, टोटल हमने कितना पेट्रोल दे दिया, तो देखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.85 यहाँ पे हम देखेंगे 57,000 का पेट्रोल हम दे चुके हैं इसको,
और यहाँ पे 21,000 का दे दिया है पेट्रोल, टोटल अमाउंट एक साथ लिख देते हैं इनको, तो 57,000 प्लस 21,000, आपने 78,000 का पेट्रोल इश्यू कर दिया है। अब हमारे पास बचा हुआ गुड्स कितना है, तो देखिए आप 20,000 इसमें से दे चुके हैं और 7 इसमें से दे चुके हैं, तो आपके पास 3,000 लीटर पेट्रोल बचा होगा जिसकी रेट होगी 3 रुपीज़। 9,000 का पेट्रोल अभी भी आपके पास होगा। ये कब की बात है, 29 जून की है। अब हम बात कर लेते हैं 30 जून 2015 को, 30 जून 2015 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फिर 10,000 गुड्स परचेज कर लिया, ये देखिए यहाँ पे, तो 10,000 लीटर पेट्रोल परचेज कर लिया जिसकी रेट है 2.75 प्लस 28 यानी कि 3.03, टोटल आपके पास हो जाता है 30,300। इशू हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे 3,000 लीटर पेट्रोल पहले से था, रेट थी 3 रुपीज़ पर लीटर, 10,000 लीटर पेट्रोल और परचेज कर लिया है, इसकी रेट है 3.03, टोटल आपके पास गुड्स हो जाता है 39,300 का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 39,300 और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 78,000। लेकिन ये किस मेथड से है, ये है लीफो मेथड के थ्रू। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन को हम लीफो मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है आपके 39,300 का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है 78,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 78,000 हो गई है लीफो मेथड से, जबकि अगर आप कंपैरिजन करें फीफो मेथड में, फीफो मेथड के थ्रू जब आपने कैलकुलेट किया था तो क्लोजिंग स्टॉक था 38,850 और लीफो मेथड से आपने कैलकुलेट किया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो 39,300 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप देखें तो फीफो मेथड के थ्रू जो गुड्स आपने सेल किया उसकी कॉस्ट थी 78,450 और लीफो मेथड में आप देखेंगे 78,000 जो गुड्स आपने सेल किया है इसकी कॉस्ट है। अब हम थर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड मेथड है आपका वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको यहां से क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ेगा। आप जो भी सॉल्यूशन है अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो की आप बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको जब भी आप कंफर्टेबल हों तब आप उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक सेम इसी तरीके से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हेडिंग चेंज कर देते हैं। यहां पे हेडिंग हो जाती है वेटेड एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। तो देखिए फर्स्ट जून को 20,000 लीटर आपने पेट्रोल परचेज कर लिया है, रेट है 2.85 और टोटल क्वांटिटी आपके पास अमाउंट में, आपके पास अमाउंट हो जाता है 20,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 2.85, ये हो जाती है 57,000 लीटर। ये 2.85 कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए, 2.60 इसकी रेट थी पेट्रोल की और 25 पैसा आपने फ्रेट के पे किए थे, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाती है 2.60 प्लस 25, दोनों को ऐड कर दीजिए आप तो यहाँ पे आपके पास रेट आ जाएगी 2.85। इसी तरह इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास 3.03 ये रेट आ जाती है। अब इसको शो कैसे करेंगे, तो देखिए वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर देते हैं, 10,000 प्लस 20,000 आपके पास टोटल क्वांटिटी हो जाती है 30,000।
अमाउंट में अमाउंट ऐड कर देंगे तो अमाउंट आपके पास था 30,000, 57,000 का गुड्स आपने और परचेज कर लिया, टोटल अमाउंट हो जाता है 87,000। को आप डिवाइड कर दीजिए 30,000 से, तो यहाँ पे पर लीटर पेट्रोल आपके पास पड़ जाता है 2.90 रुपीज़ का। ये आप वेटेड एवरेज मेथड में शो करते हैं, तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व करेंगे। अब 29 जून 2016 की बात ले लेते हैं, 29th जून 2015 को आप देखेंगे कि हमने पेट्रोल इशू किया और कितना इशू किया, 27,000। भाई हमारे पास पेट्रोल था कितना, 20,000, 10,000, 10,000, टोटल पेट्रोल था 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 13, तो बाकी का 27,000 गया का, ये हमने इशू कर दिया। और ये कह रहा है कि लास्ट डे हम इशू नहीं करते, तो इसका मतलब एक दिन पहले इशू किया होगा, 29 को इशू किया होगा, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। तो 29 जून को आपने इशू किया और 27,000 लीटर पेट्रोल आपने इशू कर दिया, तो इसकी रेट क्या आई होगी, 2.90 रुपीज़ आई होगी। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 2.9 तो आप देखेंगे 78,300 का पेट्रोल आपने इशू कर दिया। हमारे पास कितना पेट्रोल रहा होगा, 3,000 लीटर पेट्रोल हमारे पास अभी भी होगा, 2.90 की रेट से होगा, और 8,700 रुपीज़ का पेट्रोल अभी हमारे पास होगा। अब बात करते हैं 30th जून की, तो 30th जून 2015 को आप देखेंगे हमने गुड्स फिर परचेज कर लिया और 10,000 का गुड्स परचेज किया है, तो यहाँ पे आप रिसीप्ट में लिखेंगे 10,000 लीटर पेट्रोल, रेट है इसकी 3.03, ये आपने रेट ले ली, तो आपके पास जो अमाउंट है वो 30,300 का गुड्स आपने परचेज किया है। इशू आपने इस दिन कुछ भी नहीं किया, तो टोटल पेट्रोल जो था आपके पास वो 3,000 लीटर ये वाला प्लस 10,000 लीटर ये, टोटल ऐड होके हो जाता है 13,000 लीटर पेट्रोल। अमाउंट अगर आप देखें तो 30,300 ये वाली प्लस 8,700 क्लोजिंग स्टॉक, टोटल अमाउंट आपके पास हो जाता है 39,000 में आप डिवाइड कर लीजिए 13 का, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड में हम कैसे निकालते हैं, अमाउंटेड बाई अमाउंट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वेटेड एवरेज मेथड में, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास है 39,000, क्वांटिटी है 13,000, तो रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 रुपीज़। तो 30,300 प्लस 8,700 आपके पास बिल्कुल सही है, टोटल 39,000 होगा, और 13,000 का आप डिवाइड करेंगे तो 3 रुपीज़ पर लीटर आपके पास पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वेटेड एवरेज मेथड को देख सकते हैं, और वेटेड एवरेज मेथड में अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास, ये वेटेड एवरेज मेथड लिख देते हैं हम यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना आया है 39,000 का, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आई है 78,300। तो ये देखिए ये कॉस्ट थी 78,300, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया वेटेड एवरेज मेथड में, और क्लोजिंग स्टॉक 39,000 था, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है, जिसमें आपको कॉस्ट कैलकुलेट की है हमने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने कैलकुलेट किया है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ होगा तो हमें कितना हुआ होगा। प्रॉफिट जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए अगर आपको आंसर सॉल्यूशन नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद बड़े आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप पहले इसको सीख लें, फिर उसके बाद खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, फिर सॉल्व नहीं हो तो अपने
ये देखें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उस चीज़ को फिर से देखें एक बार, तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे करने से आपको जो सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। स्टोर लेजर अकाउंट अब बना नहीं रहे हैं, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। फीफो लीफो वेटेड एवरेज सारा सॉल्व हो गया है, ये यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2500 था, ये हट गया है, ये लीजिए सही। और कुछ बस, तो देख लीजिए, देखिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर देते हैं। बाय सेल्स जब आप देखेंगे तो आपने जो गुड सेल किया वो कितने रुपए में सेल किया था, 94,500 में सेल किया है। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, देखिए कि जो भी गुड्स आपने सेल किया है कितने रुपए में सेल किया है, 94,500 में आपने सेल किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट की थी, तो फीफो मेथड के थ्रू है ये। अगर आपने फीफो मेथड के थ्रू सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो सेल्स आपकी 94,500 रही होगी, लेकिन कॉस्ट जो आई होगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी आई होगी 78,450। इस केस में आपके पास जो जीपी आएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस कर दीजिए, तो आपके पास जीपी आ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम देखें तो क्लोजिंग स्टॉक इस केस में आपके पास था 38,850 फीफो मेथड में। अगर आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फीफो मेथड आपने अगर यूज़ किया हो मटेरियल इशू करने में, तो उस केस में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आई होगी 38,850 आई होगी। इस तरीके से आपके पास 94,500 प्लस 38,850 टोटल गुड्स हो जाता है 1,33,350। इसमें से आप लेस कर दीजिए 78,450, तो 54,900 इतना आपके पास जीपी आया होगा। नहीं, सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है भाई। सी ओ जी एस सेल्स माइनस, यहाँ पे आपको जीपी कैलकुलेट करने के लिए एक अलग फार्मूला यूज़ करना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बजाय हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जीपी के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस सी ओ जी एस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सेल्स आपकी हो जाती है 94,500 और सी ओ जी एस है आपके पास 78,450। तो आपके पास 94,500 माइनस 78,450, ये आपके पास 16,050, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर आप पी एंड एल अकाउंट बना सकते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 16,050। इसमें से आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे किया होगा, और कितने रुपए पे किया होगा, 2500। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचा होगा वो निश्चित रूप से कम बचा होगा। तो इसमें से आप 2500 नेट प्रॉफिट लेस कर दीजिए, नेट जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, तो आपके पास प्रॉफिट जो बचता है 13,550 का नेट प्रॉफिट आपके पास बच जाता है। ये किस केस में है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, अगर हम फीफो मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और ये नेट प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट जो आएगी वो आपने यहाँ पे लिख रखी है, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला ये होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, इसलिए हमने इसको ट्रेडिंग में नहीं लिखा था। तो ज़्यादा अच्छा है हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करके यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट बना दिया। अब सेम इसी तरीके से हम लिफो मेथड में कर देते हैं। जब आपने लिफो मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप देखेंगे कि जीपी के लिए आपने फार्मूला फिर वही यूज़ किया है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स 94,500 थी, लेकिन सीओजीएस चेंज हो चुकी थी, आपकी सीओजीएस 78,000 से थी, 78,000 थी कब, अगर आपने क्वेश्चन लिफो मेथड के थ्रू सॉल्व किया है तो। ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है वो 94,000 माइनस 78,000 होता है। तो 94,500 माइनस 78,000, तो इस तरीके से हमारे पास 16,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर पी एंड एल जब हम बनाएंगे आप इस कॉलम को नाम देना चाहें तो पर्टिकुलर दे सकते हैं, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट बाय जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 16,500, ये टोटल का कॉलम हो जाता है 16,500, फिर से कॉलम आ जाता है 16,500। टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज ये हमारे पास 2500 थे, 16,500 में से 2500 आप लेस करेंगे, 14,000 आपका प्रॉफिट बचता है, इसे आप नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट आता है वो 14,000 आता है, कब, लिफो मेथड के थ्रू, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस केस में। लास्ट मेथड आपका रह जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर देख लेते हैं कि हमारा जीपी क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जीपी के लिए आप फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स आपके पास हो जाती है 94,500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है 78,300, तो 94,500 में से आप लेस कर दीजिए 78,300, आपके पास 16,200 ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, पी एंड एल अकाउंट बना लीजिए, फर्स्ट कॉलम आपका हो जाता है पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम हो जाता है अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट, बाय साइड जीपी आप लिख देंगे तो आपका जीपी हो जाता है 16,200, और कोई आइटम है नहीं है तो 16,200 ये टोटल हो जाता है। टू साइड में अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, एक एक्सपेंसेज है क्वेश्चन में 2500, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो जाता है आपको, तो 16,200 में से आप लेस कर दीजिए 2500, 13,700 आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है।
16,200 में से आपने 2,500 लेस कर दिया, नेट प्रॉफिट आपको हो गया 13,700, ये आपका टोटल आ जाता है 16,200। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपने प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तीनों को कैलकुलेट कर लिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो आप निश्चित रूप से उसे कमेंट के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकंड ईयर की आपकी क्लास है, कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका पेपर चल रहा है, एबीएसटी का यह सेकंड पेपर है और इशू ऑफ मटेरियल ये हमारे आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, कुछ नया है इससे पहले आपने नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जनरली ये मेथड पूछा नहीं जाता है, लेकिन बुक में दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ। जनरली ये मेथड का एक या दो ही क्वेश्चन आपकी बुक में अगर दिए होंगे, इससे ज़्यादा दिए भी नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, सही है। तो बस ठीक है, आप इसको जान लीजिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इस पर कम समय खर्च करें और बाकी जो अपना टाइम है वो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को दें। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। तो देखिए, ईयर आपका है 2013, रिसीव्ड है 1800 यूनिट्स, यूनिट्स 500, 600 यूनिट्स, 1800, 500, 600 और 900। डेट की अगर बात करें तो 3rd मार्च, 8 मार्च, 21 और 28 मार्च। रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट, तो अगर आप ये रेट पर यूनिट देखें तो 12 रुपीज़, 14 रुपीज़, 11 रुपीज़ और 13 रुपीज़। में आपको नेक्स्ट डेट दे रखी है 15 मार्च, 24th मार्च और 30th मार्च। वन थाउजेंड यूनिट है 700 और 850, ये यूनिट आपने इशू की है, यूनिट इशू। रेट आप ही को कैलकुलेट करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल इज फिक्स्ड एट ₹12 per unit।
प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो देखिए आपको स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग आपको स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस तरीके से इस अकाउंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल इज फिक्स एट रुपीज़ 12 पर यूनिट। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेट गिवन है, इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में जब भी आप मटेरियल इशू करेंगे तो उसकी जो रेट होगी वो हमेशा 12 ही लेंगे। मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में जब भी आप मटेरियल को इशू करेंगे वो जो रेट आपने फिक्स कर रखी है उसी रेट पर इशू करेंगे। यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है कि मटेरियल जो है वो 12 रुपीज़ पर केजी की रेट से इशू होगा। तो आप जब भी इशू करेंगे मटेरियल को 12 रुपीज़ पर केजी रेट से ही इशू करेंगे। तो मेथड तो बहुत ईजी हो जाता है लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। स्टोर लेजर अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हेडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं स्टोर लेजर अकाउंट, मेथड का नाम लिख देते हैं यहाँ पे बाय स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। ये हमने तीन पार्ट कर लिए हैं जिसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर से क्वांटिटी रेट अमाउंट और डेट आ जाती है। ये डेट हो जाती है आपकी, ये हो जाता है क्वांटिटी, ये रेट हो जाती है और ये हो जाता है अमाउंट। फर्स्ट कॉलम को नाम दे देते हैं हम रिसीप्ट, इसी तरह सेकंड कॉलम क्वांटिटी रेट और अमाउंट हो जाता है। सेकंड कॉलम को हम नाम दे देते हैं इश्यूज़। थर्ड कॉलम की बारी आती है, क्वांटिटी और अमाउंट। इसमें हम रेट नहीं देते क्योंकि यहाँ पे रेट का देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा किस रेट से इशू करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से इशू करेंगे। तो 12 रुपीज़ से इशू करना है इस केस में हमें, तो यहाँ पे रेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें रेट ना दें। फिर भी अगर आपको रेट देनी हो तो लास्ट में हम बता देंगे किस तरीके से अगर आप चाहें तो रेट दे सकते हैं। एक बार देख लेते हैं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बिल्कुल आपको आवाज़ आ रही है। तो देखिए डेट ओपनिंग बैलेंस तो आपके पास है नहीं, 3 मार्च को आपने परचेज किया है तो यहाँ पे हम ईयर लिख लेते हैं 2013 3 मार्च 1800 आपने क्वांटिटी परचेज की है, रेट है 12 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि 1800 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाता है 21,600 का गुड्स आपने परचेज किया है, इश्यू आपने कुछ नहीं किया। तो जो बैलेंस आपके पास बचेगा वो 1800 बच जाता है और अमाउंट 21,600 का गुड्स आपके पास होता है। 3 मार्च के बाद 8 मार्च आ जाती है, उससे पहले आपने कोई इशू किया नहीं है क्योंकि फर्स्ट इशू आपने किया है 15 मार्च को। तो निश्चित रूप से हम पहले 8 मार्च लेंगे। 500 का गुड्स यहाँ पे आपने परचेज किया है, रेट है 14 रुपीज़ पर केजी। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 500 इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 7000 का गुड्स आपने परचेज किया है, इश्यू आपने आज कुछ नहीं किया। 1800 प्लस 500 टोटल क्वांटिटी आपके पास हो जाती है 2300 एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज रुपीज 21,600 प्लस 7000 इट विल बी
28,600 rupees. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने किया है 15th मार्च को, तो 15th मार्च को आपने इशू किया है, रिसीप्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन आपने इशू किया है 1000 यूनिट, तो आप 1000 यूनिट क्वांटिटी में शो करेंगे. अब रेट क्या लेनी है, तो रेट आपने देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है. स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में स्टैंडर्ड रेट लेंगे. स्टैंडर्ड रेट का मतलब जो आपने फिक्स की है उसी रेट से इशू करेंगे. तो यहाँ पे 12 रुपीज़ से इशू करेंगे. 12,000 का गुड्स आपने इशू कर दिया. 2300 में से 1000 आप इशू कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास जो गुड्स हैं वो लेस करके 23 में से 1000 आप गुड्स को लेस करेंगे, तो 1300 आपके पास यूनिट्स होगा और इसकी कॉस्टिंग होगी 28,600 माइनस 12,000. इसमें से आपने जितना गुड्स इशू कर दिया उसकी प्राइस लेस कर दीजिए, आपके पास 16,600 का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में होगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने किया है 21st मार्च को. 21st मार्च को हमने परचेज किया है 600 यूनिट्स, तो 600 यूनिट आप रिसिप्ट में लिखेंगे 11 रुपीज़ की रेट से, तो रेट आ जाती है 11 रुपीज़, 6600 की वैल्यू आ जाती है गुड्स की. इशू में आप डैश लगा देंगे और क्वांटिटी आपके पास हो जाती है 1300 पहले से क्लोजिंग स्टॉक में थी, 600 गुड्स आपने और परचेज कर ली, तो टोटल गुड्स की क्वांटिटी हो जाती है 1900. सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का गुड्स आपके पास पहले से क्लोजिंग स्टॉक में था, अभी जो आपने गुड्स परचेज किया है उसकी वैल्यू है 6600, दोनों को ऐड कर दीजिए, 23,200 का गुड्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में होगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपने किया है 24th मार्च को, यहाँ पे इशू किया है आपने 700 का गुड्स, तो जब 700 यूनिट्स इशू किए हैं तो यहाँ पे हम 700 लिख देंगे, लेकिन रेट का ध्यान रखिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में जो आपने रेट फिक्स की है उसी रेट पे इशू करेंगे, तो 12 रुपीज़ रेट हमने फिक्स की है पर यूनिट, तो 12 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से आप इशू कर दीजिए, तो 700 × 12 ये हो जाता है 8400 का गुड्स, तो 8400 यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाती है. टोटल गुड्स आपके पास था 23,200 का, उसमें से लेस कर दीजिए आप 8400, तो आपके पास वैल्यू ऑफ द गुड्स आ जाती है क्लोजिंग स्टॉक की 14,800. एंड इफ यू नो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स देन यू कैन कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड यू हैव 1900 यूनिट्स इन आवर क्लोजिंग स्टॉक और इसमें से आपने लेस किया 700 आपके पास इशू कर चुके हैं आप. 1900 हमारे पास पहले था, 700 हमने इशू कर दिया यहाँ पे क्वांटिटी, तो आप 1900 में से 700 लेस कर दीजिए, 1200 आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी रिमेनिंग होगी गोडाउन में, तो 1200 यूनिट हमारे पास है और उसकी जो वैल्यू है वो है 14,800. अब हमने ट्रांजेक्शन किया है 28 मार्च को, तो 28 मार्च को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो 900 आपने रिसीव्ड किया है और 13 रुपीज़ की रेट से आपने इशू किया रिसीव्ड किया है, तो 900 × 13 ये हो जाता है 11,700 का गुड्स. एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं 900 × 13 ये हो जाता है 11,700 का गुड्स. इशू में डैश आ जाता है. 1200 यूनिट हमारे पास पहले से था, 900 आपने और परचेज कर लिया, टोटल गुड्स हो जाता है 2100. 14,800 प्लस 11,700 टोटल अमाउंट आपके पास हो जाता है 26,500. 14,800 प्लस 11,700 ये आपके पास गुड्स हो जाता है 26,500. अब लास्ट ट्रांजेक्शन की बारी आती है. आपने इशू किया है 850 यूनिट, तो 850 आप इशू कर देंगे, रेट स्टैंडर्ड रेट लेंगे 12 रुपीज़ पर यूनिट,
तो 850 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाता है 10,200। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं इसको, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो जाता है 10,200। 850 यूनिट है, ये भी सही है। 2100 में से आप लेस कर दीजिए 850 को, तो आपके पास यूनिट जो रिमेनिंग रहेगी क्लोजिंग स्टॉक में 1250 रहेगी। और बैलेंस अगर आप देखना चाहें तो 26,500 में से आप लेस कर दीजिए 10,200, तो आपके पास 16,300 ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, और आपकी बुक में ये लगभग एग्जांपल होगा एक 13 नंबर का। तो 13 नंबर का एग्जांपल है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको इसलिए रखा है कि ठीक है, आपके नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। बाकी ज़्यादा बढ़िया है कि आप लीफो फीफो वेटेड और सिंपल एवरेज मेथड की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जनरली यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं याद कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कभी। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट के ज़रिए हमें बता दीजिए, हम निश्चित रूप से उसको सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन।